नमस्कार, मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। नीट परीक्षा के परिणाम आते ही पूरे देश में खलबली मच गई है। इससे काफी स्टूडेंट्स नाराज हैं और इसी नाराजगी को दर्शाते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की ओर से नागपुर में एक आंदोलन किया जा रहा है, जहाँ वो नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राज्य सचिव वैभव चोपकर का इस पे क्या कहना है, आइए जानते हैं। नमस्ते, हम यहाँ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से जो एनटीए के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो नीट परीक्षा इस देश में हुई थी उसमें बहुत बड़ी धांधली हमने देखी है। शुरू से ही ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने नीट के एग्जाम में नज़र लगाए रखी थी। हम शुरुआत से ही नीट परीक्षा को ही रद्द करने की मांग इस देश में करते आए हैं, क्योंकि नीट जो है वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर रही है, केंद्रीकरण, शिक्षा का केंद्रीकरण इस देश में करना चाहती है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को कि नीट जो है वो नकारता है, इसलिए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन शुरू से ही नीट के खिलाफ में है। चूंकि इस देश में शुरू से ही संकेत जो मिल रहे हैं, बिहार में 13 लोगों को धांधली के मामले में, पेपर लीक के मामले में अटक किया गया, उनको अरेस्ट किया गया था। राजस्थान में भी सेंटर पे गड़बड़ी हुई थी, छत्तीसगढ़ में भी हुई थी, ऐसी बहुत सारी खबरें इस देश में आई थी। लेकिन उस टाइम जब हमने आवाज़ उठाया था तो एनटीए ने बेसलेस करके हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया था। लेकिन अभी आप समझ सकते हैं, जो छात्रा है उनको 720 में से 67 छात्रा ऐसे जिनको आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं, जो 5 साल के रिजल्ट में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी धांधली है, इसके खिलाफ में हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ सरकार को मांग करते हैं कि सरकार ने यहाँ इंटरफेयर करके नीट को रद्द करना चाहिए और फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। थैंक यू। इंकलाब जिंदाबाद।